लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं टमाटर की मज़ेदार सी चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 टमाटर ले लें, 10 से 12 हम लोगों ने गोल वाली लाल मिर्च ली है, 7 से 8 क्लोव्स हमें लहसुन के चाहिए, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 हरी मिर्चें, 1/2 प्याली हरा धनिया, 1 प्याली पुदीना और 2 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम टमाटरों को जो है एक पैन में रख कर और सेंक लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड भी बदलते रहेंगे। जी तो ये देखें, हमने टमाटर के साइड चेंज करके इनको सेंक लिया। अब हम अपना 3rd स्टेप शुरू करें। ये देखें, हमने टमाटरों को जिनको सेंका था उनकी स्किन हटा दी है। इनको ठंडा होने के बाद अब हम ब्लेंडर में डाल रहे हैं। सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे, उसके बाद तमाम खुश्क अज्जा इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इसमें गोल वाली लाल मिर्च, लहसुन के जवे, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 हरी मिर्चें, 2 टीस्पून नमक, 1/2 प्याली हरा धनिया, 1 प्याली पुदीना शामिल कर दिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने ब्लेंड कर लिया, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे कटोरी में निकाल रहे हैं और आप इसे 8 से 10 दिन तक अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसे बनाकर फ्रीज कर लें। आप इसे खिचड़ी वगैरह के साथ भी ट्राई करें और ये कबाब के साथ भी बेहतरीन लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा।